मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराज मंगलम पौंडरीकाक्ष मंगलाय तनु। आप लोगों ने किन्नरों को लेकर बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। यह कहानी किन्नर की है, जहाँ एक किन्नर ने अपनी मांग में सिंदूर भरकर सुहागन बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की, जहाँ एक युवक शिव कुमार का किन्नर के साथ प्रेम हो गया और यह प्रेम शादी के बंधनों तक पहुँच गया। लेकिन समाज के लाख लज्जा के डर से दो अयोध्या पहुँचे, जहाँ प्रसिद्ध तपोभूमि स्थल भरतकुंड मंदिर में शादी रचाकर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुए। प्रतापगढ़ के रहने वाले शिव कुमार वर्मा ने प्रतापगढ़ की ही किन्नर अंजलि सिंह के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अयोध्या के नंदीग्राम भगवान श्री राम जी के अनुज भरत के तपोस्थली भरतकुंड में एक प्राचीन मंदिर में सात फेरे लिए। यह शादी किन्नर अंजलि सिंह की बहन और बहनोई ने संपन्न करवाई। इस बेहद दिलचस्प वैवाहिक आयोजन की खास बात यह है कि इस आयोजन में दर्जन भर बाराती भी शामिल हुए थे और शादी की सभी रस्में निभाई गई और हंसी खुशी मेहमानों ने नव युगल को एक मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं भी दी। वहीं एक युवक और एक किन्नर के बीच प्रेम कहानी के इस सुखद मोड़ पर पहुंच जाने पर परिवार और गांव के लोगों ने भी बहुत खुशी जाहिर की और लोग युवक के फैसले से उसे काफी सराहना भी कर रहे हैं, जिसने समाज के ठुकराए हुए वर्ग के एक सदस्य को अपना जीवन साथी बना लिया। नंदीग्राम भरतकुंड के स्थापित प्राचीन मंदिर में किन्नर अंजलि सिंह की शादी धूमधाम से की गई। प्रतापगढ़ के गहरौली मजरे शुक्लोपुर के रहने वाले शिव कुमार वर्मा ने दूल्हा बनकर अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अंजलि सिंह के साथ सात फेरे लिए। पंडित अरुण तिवारी द्वारा शादी की रस्में पूरी कराई गई। युवक शिव कुमार ने बताया कि बीते डेढ़ वर्षों से अंजलि के साथ उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि वह बिना अंजलि के अब नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने अंजलि के साथ शादी कर ली। जी हाँ, बिल्कुल जानते थे हम कि ये किन्नर है। हम लोग नियर अबाउट एक डेढ़ साल से एक दूसरे के साथ में रह रहे थे। हमको भली बात पता था कि ये किन्नर है, फिर भी हम लोगों को लगा कि हम इनके बगैर नहीं रह सकते, मेरे बगैर नहीं रह सकती। मुझे लगा कि हम इनके साथ में रहेंगे तो हम लोगों के जीवन सुखमय होगा। हम लोगों ने निर्णय लिया कि अगर हम साथ में रहेंगे तो बहुत लोग होते हैं जो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं और अपना जीवन सुखमय बनाते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि शादी कर लेते हैं, कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे और अपना जीवन भली भांति व्यतीत करेंगे। वहीं अंजलि सिंह ने कहा कि हमारे किन्नर समाज को दुनिया अच्छी नजरों से नहीं देखती है, इसलिए अभी हम दोनों के इस फैसले को स्वीकार करने में दोनों परिवार को थोड़ी समस्या हो रही है। हमारे परिवार के सदस्य हमारे इस फैसले से खुश हैं, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आशीर्वाद देने वालों में मुख्य रूप से भाजपा नेता चौरे बाजार मंडल अध्यक्ष नंदी किशोर सिंह, श्याम जी चौरसिया, मोनू सोनी, भवानी पांडे, दीपक कुमार, राम कुमार पांडे सहित अन्य लोग शामिल थे। थोड़ा तो हमारा जो समाज है तो दूसरा है, तो थोड़ा तो इंसान को प्रॉब्लम तो होती ही है। तो जैसे कि घर वाले राजी हैं इनके, बट क्या कहते हैं जो होते नहीं गांव समाज होता है तो वो कहता है, पर क्या कहते हैं धीरे धीरे जो माँ बाप होते हैं बच्चे की खुशी में उनकी भी खुशी होती है, वो लोग राजी हैं।